नमस्कार, हेल्थ आईडी कार्ड फ्री में ऑनलाइन कैसे बनाए जाते हैं ये जानने से पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में सुन लेते हैं। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हो, पैसा जमा करना हो, अस्पताल में पर्ची बनवाने की भागदौड़ हो, तमाम दिक्कतें नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के माध्यम से अनेक मुसीबतों से मुक्ति मिलेगी और उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमारा कोई भी नागरिक सही फैसले कर पाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे इसके वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसके बाद आप इसे यहाँ से कट कर दें। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है क्रिएट योर हेल्थ आईडी नाउ, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं एक अलर्ट पेज आ जाता है जिस पे ये बताया जाता है कि अभी ये फैसिलिटी कुछ ही स्टेट में दी गई है लेकिन जल्द ही बाकी सारे स्टेट में आने वाली है। इसके बाद आप यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे। हेल्थ आईडी जनरेट करने के लिए दो मेथड है। आप आधार के थ्रू जनरेट कर सकते हैं बशर्ते आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक्ड हो। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक्ड नहीं है तब जाके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मैं आपको ये सेकेंड प्रोसेस दिखाता हूँ और यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद आप जनरेट वाया मोबाइल पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ आई एग्री पे क्लिक कर देंगे, फिर आई एम नोट और रोबोट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा जिस ओटीपी को आपको यहाँ पे डालना है और इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने ये पेज होगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लिखना होगा, यहाँ पे मिडिल नेम और यहाँ पे आपको लास्ट नेम लिखना होगा। इसके बाद आपको एक हेल्थ आईडी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, अगर नाम ले रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके साथ आप कुछ डिजिट लिख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं @ndhm हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे पासवर्ड लिख सकते हैं, फिर आप दोबारा पासवर्ड लिखेंगे। इसके बाद यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ का डे, यहाँ से मंथ और यहाँ से ईयर लिखेंगे। इसके बाद आप यहाँ से अपना स्टेट चूज करेंगे, फिर आप यहाँ पे अपना एड्रेस डालेंगे। इसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। सारी डिटेल्स भर देने के बाद आप यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने ये पेज होगा। आप यहां से डाउनलोड हेल्थ आईडी कार्ड पे क्लिक करके आप अपना हेल्थ कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारा पिक अपलोडेड नहीं है। तो चलिए मैं पहले पिक अपलोड कर देता हूं। इसके लिए मैं यहां एडिट प्रोफाइल पे जाऊंगा और यहां से मैं अपने लिए एक फ़ोटो ले लूँगा। फ़ोटो अपलोड हो जाने के बाद यहाँ आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने फिर से ये पेज होगा और आप यहाँ पे डाउनलोड हेल्थ आईडी कार्ड पे क्लिक करके अपना हेल्थ आईडी कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका आईडी कार्ड डाउनलोड हो चुका है। आप इस पर क्लिक करके इसे ओपन करेंगे और यही आपका हेल्थ आईडी कार्ड है। यहाँ पे आपका हेल्थ आईडी रहेगा, इसके बाद आपका हेल्थ आईडी नंबर रहेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, आपका जेंडर रहेगा और आपका मोबाइल रहेगा। आप इस कार्ड को किसी भी साइबर कैफे में जाकर कार्ड पर प्रिंट करवा सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।